अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद मेहरीन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी पोटैटो पॉपकॉर्न। अगर आप लोगों के बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह पसंद हैं और अब आप नहीं चाहती कि आप उनको ऑयल की कोई भी चीज़ दें, तो आप ये रेसिपी ट्राई करें। ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इसके लिए हमें सिंपल चाहिए 4 से 5 अदद हमने आलू बॉयल करके रख लिए। इसको हमने अच्छी तरीके से मैश कर लिया। आलू बहुत अच्छे बॉयल होने चाहिए। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 टेबल स्पून विनेगर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1/2 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, नमक हसबे जायका। इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे, कुकिंग ऑयल। आप इसमें चाहें तो जैतून का तेल भी मिला सकते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो ऑलिव ऑयल आप वो यूज़ करें, बहुत हेल्दी है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, मैच कर लें। उसके बाद हम इसको पाइपिंग बैग में फिल कर लेंगे। आप कोई सा भी नोज़ल यूज़ कर सकते हैं पॉपकॉर्न शेप बनाने के लिए, फ्लावर जो नोज़ल्स होते हैं। इसके बाद हमने बेकिंग ट्रे में बेकिंग पेपर लगा दिया और फिर बटर पेपर हमने यूज़ किया है। बटर पेपर के ऊपर हमने फ्लावर बना लिए। अब हम एग योक जो है वो हम इस पर ब्रश से अप्लाई कर देंगे, इससे हमारा कलर बहुत अच्छा आता है। फिर हम ओवन को हमने पहले से प्री हीट कर लिया था 10 मिनट्स फुल टेम्परेचर पे। अब हम इसको फुल टेम्परेचर पे 15 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पोटैटो पॉपकॉर्न बेक हो गए हैं और हमें 15 मिनट्स हो गए। हमने इसको डिश आउट कर लेते हैं, प्लेट में सर्व कर देते हैं। हमने यहाँ पर ले लिए। इसके बाद मैंने जो शॉर्मा सॉस आप लोगों को सिखाई थी, मेरी शॉर्मा की रेसिपी में, वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। बहुत मज़े के ये बने हैं, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। देखें इसकी शेप कितनी अच्छी लग रही है, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और ये बहुत टेस्टी हैं। अब मैं इंशाल्लाह ताला आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।